नमस्कार दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि बोर्नियो ने कुछ नई अपडेट दिया है। 25 फरवरी से बोर्नियो में कुछ नया अपडेट आया है। तो नया अपडेट को कैसे हम पूरा सेटअप करते हैं और उसमें क्या क्या अपडेट दिया है, और कुछ स्टूडेंट लोग के साथ नया अपडेट में इरर आ रहा है, तो उस इरर का कैसे वो सोल्यूशन करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमारे लैपटॉप में पहले का बोर्नियो इंस्टॉल किया हुआ है, और नया में क्या अलग दिया है, क्या हमें करना है, कभी यदि प्रॉब्लम्स आ जाएगा, इरर आएगा, तो उसको कैसे सही करेंगे। ये बोर्नियो को डबल क्लिक करके हम ऑन करते हैं, और ये मेरा पुराना बोर्नियो है जो कि पहले से चल रहा है, और इसको हम अभी आपके सामने इस बोर्नियो को डिलीट करेंगे और गूगल से नए डाउनलोड करके, और उसमें क्या अपडेट दिया है, उसमें क्या सेटिंग कर रहा है ताकि आपका रन हो, वो सारा चीज आपको बता। देखिए दोस्तों, जब हम ऑन किए तो यहाँ पे अपडेट अवेलेबल, प्लीज डाउनलोड न्यू वर्जन मैसेज दे रहा है, हमको बता रहा है कि न्यू वर्जन आ चुका है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको रन कीजिए। तो फिलहाल हम अभी आपको दिखाने के लिए ओल्ड वर्जन कैसा है और न्यू वर्जन में क्या है वो आपको दिखाने के लिए पुराने वालों को पहले हम ऑन कर रहे हैं। फिर जब नए को लॉग इन करते हैं तो इरर क्या आ रहा है, सभी लोग के साथ परेशानी क्या आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी हम इसमें बताएंगे। ये दोस्तों ये हमारा बोर्नियो ओपन हो चुका है, और ये हमारा पुराना वर्जन है बोर्नियो का, ये हमारा पुराना वर्जन है, ठीक है। अब हम आपको नए वर्जन में क्या अपडेट दिया है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके लिए हमारे सिस्टम में जो ये बोर्नियो है इसको पूरा डिलीट करना होगा, और उसको फिर से नए बोर्नियो को हम डाउनलोड करेंगे और पूरा सेटअप कंप्लीट हम बताएंगे, और जो इरर आ रहा है वहां पे लोग कहां पे फंस रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले इस बोर्नियो को डिस्कनेक्ट करते हैं, यहां से कैंसिल करते हैं, और इसको हम डिलीट करते हैं। माई कंप्यूटर में जाकर के भी हम डिलीट कर देंगे, इसका डाउनलोड फाइल में होगा वहां भी डिलीट कर देते हैं, और डाउनलोड में जाएंगे। और दिख रहा है, इसको भी हम डिलीट करते हैं। गूगल पे जाते हो और नए बोर्नियो को हम डाउनलोड करते हैं। सर्च करना है बोर्नियो और जाएंगे डाउनलोड में और स्क्रॉल करते हुए देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 25/2/2023, 25/2/2023 को अपडेट किया है, तो हम न्यू वर्जन इसमें डाउनलोड कर रहे हैं। और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। बोर्नियो में अपडेट समय समय पे इसलिए करते रहता है क्योंकि मोबाइल्स में वो जितने सॉल्यूशन डालते हैं तो उसको अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करने के बाद हम सभी यूजर के पास मिलता है, इसीलिए अपडेट करना जरूरी है। ये सब एप्लीकेशन अपडेट होते रहना बहुत जरूरी है, ये सब एप्लीकेशन पे काम करते रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोबाइल्स नया नया आते रहता है और उस पे नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो बोर्नियो हमारा एक एप्लीकेशन ऐसा है जहाँ पे नए नए चीजों को वो अपडेट देते रहता है, सोल्यूशन जहां तो होता है कोशिश करता है, प्रयास करता है लगभग सोल्यूशन देने के लिए। तो अब हम बोर्नियो को ऑन करते हैं, सो इन फोल्डर पे क्लिक किए, सो इन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हम पहले इसको एग्जिस्ट शेयर करेंगे और एग्जिस्ट शेयर कर दिए। एग्जिस्ट शेयर करने के बाद जब एग्जिस्ट शेयर कंप्लीट होगा उसके बाद हम बोर्नियो को ऑन करेंगे। ये रहा बोर्नियो का एप्लीकेशन, इसको हम रन करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और एस करेंगे।
इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद आपका बॉर्नियो ये पूरा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों। अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अपडेट ये 25 फरवरी को दिया है और हम इस वीडियो को 26 फरवरी को बना रहे हैं दोस्तों। हम प्रयास करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हम आपको कोई भी नई अपडेट आए और हमें जानकारी मिले तो हम उसको आपको तुरंत सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिए बोर्नियो का हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, थोड़ा सा समय ले रहा है। इसको हम कैंसिल कर देंगे तभी चलेगा। क्लोज और ये फिनिश, ये हमारा बोर्निंग आ चुका है। डबल क्लिक करके इसको ऑन करते हैं और अब जो हमारा ऑन हो रहा है वो नए बोर्निंग ऑन हो रहा है। जब हम डबल क्लिक करके ऑन कर रहे हैं तो देखिए अभी हमको अपडेट का मैसेज नहीं आया और यहाँ पे हमारा लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड आ चुका है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किए, लॉगिन पे क्लिक किए और ये हमारा बोर्नियो का नया अपडेट आ चुका है। देखिए बोर्नियो का नया अपडेट में लुक वगैरह भी चेंज है, सेटिंग्स भी थोड़ा चेंज है, तो थोड़ा हर बार ये कुछ ना कुछ अपना चेंज करता ही रहता है। तो देखिए बोर्नियो का इस लुक में हमारा ऑन हो रहा है अभी। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के साथ हो क्या रहा है कि जब बोर्नियो को ओपन कर रहा है तो इस प्रकार का ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, या किसी किसी का डिस्प्ले में व्हाइट आ रहा है, पूरा व्हाइट आ रहा है। तो उन भाइयों को करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये लोड लेना अपलोड अपडेटिंग फाइल्स शुरू हो जाता है। जो भी नया नया फाइल है वो हमारे सिस्टम में अपलोड होना शुरू हो गया, इस एप्लीकेशन में आना स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों को वाइट जो होता है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये अपडेटिंग का जो फाइल्स अपडेटिंग का ऑप्शन है ये आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एरर यहीं पे लोगों को आ रहा है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ये हमारा होम पेज आ गया, ये क्या आ गया, होम पेज। और यहाँ पर देखिए जो आपको दिख पहले हार्डवेयर बीट मैप स्केच मैट्रिक ये सारा चीज फंक्शन आ गया। और यहाँ पर देखिए उस समय जो हम लोग आईसी को ढूंढने का काम करते थे उसके लिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे दिया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो पार्ट्स फाइंड, मतलब कोई पार्ट्स को आप ढूंढ रहे हैं तो आप इस ऑप्शन से ढूंढ सकते हो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का फ्लैश फाइल दे रखा था तो डाटा वर्क्स, तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, तो सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। बस यही है कि इसमें लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन को ऐड किया है और इसमें बहुत कुछ बदलाव किया है, इसलिए बोर्नियो ने ये इसको अपडेट किया 25 फरवरी को। तो ये रहा, उसका वीडियो बना दिए, बाकी जो फंक्शन है वो सारा है, आप सारे तरह अच्छे तरीके से खोल सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन पहले नीचे में था, उसको हटा दिया गया है और कमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको कमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको ऊपर में ले आया है दोस्तों, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम आ गए यहाँ पे होम पेज पे और यहाँ पर किसी भी फोनों को खोलेंगे, आईफोन, ये मेरा खुल गया। इसी का एक और पार्ट खोलना है और दोनों को हमको एक साथ में देखना है, तो देखिए कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कमांड का ऑप्शन है, इसको भी सिलेक्ट कर दिए और कमांड गैप इसको भी सिलेक्ट कर दिए और ये करने के बाद हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। पहले कमांड का ऑप्शन नीचे में था, अब कमांड का ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है और हमारे यहाँ पे दोनों खुल चुका है, इसी में भी काम कर सकते हैं। इसको जूम आउट जूम इन करेंगे इसका हो जाएगा, इसका जूम आउट जूम इन करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों बोर्नियो ने यही नया अपडेट दिया था और नया अपडेट में बहुत सारे स्टूडेंट लोग जब लॉग इन कर रहे थे उसका डिस्प्ले व्हाइट आ जा रहा था और वहां से काम नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, इसलिए हम इस वीडियो को बनाए। देख लीजिए
ये वीडियो, ये जो बोर्नियो है इसमें कुछ खास नहीं, इतना ही अपडेट दिया हुआ, इतना ही कुछ नया है, और मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।